स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता? ए कार्लोस अल्काराज, बी नोवाक जोकोविच, सी डेनियल मेदवेदेव, डी लोरेंजो मुसेटी। आंसर ए कार्लोस अल्काराज। एक्सप्लेनेशन: स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। लंदन के सेंटर कोर्ट में 14 जुलाई को हुए फाइनल में उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6, 7-4 से हराया। अल्काराज ने 2023 में भी विंबलडन खिताब जीता था। यहां भी फाइनल में उनके सामने नोवाक जोकोविच ही थे। अगला प्रश्न। महिला एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता? ए जैस्मिन पावलिनी, बी बारबोरा क्रेजिकोवा, सी एलिना रायबाकिना, डी डोना वेकिच। आंसर बी बारबोरा क्रेजिकोवा। एक्सप्लेनेशन: चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मिन पावलिनी को 3-6, 2-2, 6-6, 6-4 में हराकर विंबलडन महिला खिताब जीता। क्रेजिकोवा ने अपनी झोली में दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी भी जोड़ ली है, जिसमें 2021 फ्रेंच ओपन सिंगल्स चैंपियनशिप भी शामिल है। अगला प्रश्न। 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ए पुष्प कमल दहल प्रचंड, बी शेर बहादुर देवबा, सी के पी शर्मा ओली, डी रामचंद्र पौडेल। आंसर सी के पी शर्मा ओली। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत कल CPM-UML और नेपाली कांग्रेस गठबंधन के नेता चुने गए के पी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अपने पहले कार्यकाल में ओली ने सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना की थी। 2015 में नेपाल में नया संघीय लोकतांत्रिक संविधान अपनाए जाने के बाद तराई क्षेत्र में महीनों तक आंदोलन चला। भारतीय मूल के तराई निवासियों ने भेदभाव का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न। यूरो कप फुटबॉल 2024 का फाइनल किसने जीता? ए इटली, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। आंसर डी स्पेन। एक्सप्लेनेशन: बर्लिन में स्पेन ने यूरो कप 2024 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से मात दी। इसके साथ ही स्पेन फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया। ये चौथी बार रहा जब स्पेन की टीम ने यूरो कप का खिताब जीता। वहीं इंग्लैंड टीम का एक बार फिर से चैंपियन बनने का सपना टूट गया। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 2020 सीजन में इटली के हाथों फाइनल में हारी थी। अगला प्रश्न। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी असम। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से राज्य से सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई अन्य मंत्री उपस्थित थे।